मैं डॉक्टर भुवन तिवारी लोहिया इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर कार्डियोलॉजी एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। सबसे ज़्यादा कॉमनली हमारे पास हार्ट अटैक या हृदयघात के पेशेंट आते हैं। शुरुआत में देखा जाता था कि 10 साल पहले जब हम लोगों ने यहाँ पे काम शुरू किया था तो वो उम्र दराज लोग होते थे कि 60 साल 70 साल के लोग होते थे। पिछले कुछ समय पे हम देख रहे हैं कि 18 से 20 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है और इतने कम उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक के साथ हम लोगों को उनका इलाज करना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा एक चिंता की बात है। इसके अलावा हार्ट ब्लॉक के केसेस आते हैं जो कि अचानक से पेशेंट को बेहोशी आ जाना, ऐसे केसेस में हार्ट ब्लॉक कारण होता है जिसका कि इलाज पेसमेकर के द्वारा यहाँ संस्थान में उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ लोगों को बच्चों को 5 से 15 साल की उम्र में जिनको गला ख़राब होने की वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है, जिनकी हार्ट वेल्व कमज़ोर हो जाती है, वो लोग हार्ट फेलियर के साथ हमारे पास आते हैं। उनका दवाइयों से इलाज होता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका बैलून डायलिटेशन ऑफ हार्ट वेल्व भी होता है। देखिए, पहले ये देखा जाता था कि हृदय घात या हार्ट की जो बीमारियाँ होती हैं उम्र दराज लोगों में होती थी। अब ये देखा गया है कि कम उम्र वाले लोगों को भी आ गया। तो इसके जो पहले प्रमुख कारण होते थे वो कारण तो आज भी वैसे ही हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर होना है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना है या स्मोकिंग। तो ये रिस्क फैक्टर्स पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन इनमें कुछ नए रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए हैं जो कि स्ट्रेस तनाव बहुत बढ़ गया है लोगों में, आज की जीवन शैली में तनाव बढ़ गया है, खाने पे जंक फूड या फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है, इसके वजह से रिस्क फैक्टर बढ़ गया है। और फिर हमारे युवाओं में सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि बैठ के ऑफिस चेयर जॉब का काम बहुत बढ़ गया है, तो इन वजह से और कहीं ना कहीं धूम्रपान का सेवन भी तंबाकू के रूप में हो या स्मोकिंग टबैको रूप में हो, तो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इन जो नए रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं इनके वजह से हमारे युवाओं में हृदय घात, यहाँ तक कि बहुत चिंताजनक स्थिति है कि 18 साल 20 साल के बच्चों को बड़ा हार्ट अटैक हो रहा है। पहले क्या था, लोग फिजिकली एक्टिव थे, चाह के या नहीं चाह के भी फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती थी, चाहे लोग खेत में काम करने जाते थे या स्कूल में पैदल जाते थे या स्कूलों में भी खेलने का मौके ज़्यादा रहते थे। पर आजकल हमने कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली में ऐसा बदलाव कर लिया कि हम लोग देर में सोते हैं और सुबह देर में उठते हैं, तो इस वजह से हम सुबह व्यायाम नहीं कर पाते हैं। तो हर युवाओं के लिए ये मैसेज है कि जब वो स्कूल से निकल रहे हों, उसके बाद भी, मतलब जैसे 18-20 साल के बच्चा एक 12th क्लास पास कर लेता है, तो उसको अपनी जीवन शैली में कहीं ना कहीं व्यायाम का रोल ज़रूरी है कि समय पे सोए और सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करे। अगर घर के आसपास पार्क है तो वहाँ पे करे, नहीं है तो घर में भी स्किपिंग रोप वगैरह से एक्सरसाइज हो सकती है। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, अपने को धूम्रपान से दूर रखना ज़रूरी है। इसके अलावा घर का जो भोजन होता है जिसमें कि रोटी सब्जी दाल चावल हम घर पे खाते हैं, और मौसमी सब्जी और मौसमी फलों का सेवन करें और धूम्रपान से दूर रहे और जंक फूड फास्ट फूड का जहाँ तक हो सके सेवन ना करें। तो इस चीज़ में अगर वो इन्वॉल्व रहेगा तो वो अच्छा अपनी जीवन शैली को बनाएगा। और अगर किसी के घर के आसपास पार्क नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपको जिम की आवश्यकता हो, और हमारे देश की एक पद्धति है जिसे हम योगा कहते हैं, अगर उसकी वो कोशिश करेगा सीखने की तो बहुत आसानी से, बहुत आसान योगा है। और आजकल तो हर जगह ये गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और आपको टीवी में यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स मिल जाएंगे जिसको देख के बहुत आसानी से बेसिक योगा कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा।